हाँ आती थी सामने, मुंह के सामने दीवार आती थी जो ऊपर हाँ चढ़ जाती थी, हाँ वो पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं थी, अच्छा समझ आई? और हाँ ना ही उसमें कोई ग्रिल थी ना कुछ और था, वो इस तरह का मानूर का फोन उठा लो, बातें कर करके दिमाग पका देती है। व्लॉग में बोलती नहीं है और फोन पे बोल बोल के दिमाग खराब कर देती है। अच्छा खैर, हम सो के उठे हैं, तबीयत जो है थोड़ी सी ऑफ है, मेरे गले में दर्द है और बुखार हुआ है, और बुखार जो है वो थोड़ा जरा ज्यादा ही लग रहा है। बाहर से खाना जो खा रहे हैं ना आजकल, मेरा ख्याल खाना जो है वो काम खराब कर रहा है। खैर अभी हम जा रहे हैं जिम, क्योंकि काम तो करना है, काम से तो छुट्टी नहीं है। टाइम थोड़ा कम दूंगा जिम में, लेकिन जिम जा रहा हूँ अभी। और जिम से वापसी पे जो है वो एक सरप्राइज है, हो सकता है वो थंबनेल में टाइटल में आप लोगों को मैं वैसे ही बता दूं। वहां जाते हैं और फिर वहां जाके मिलते हैं। मेरी जान, मेरा करली बालों वाला बेटा सो रहा। अबे ते गए ना बाल, जब से बाइक लिया बाइक वॉश भी नहीं करवाई। पिछला ओनर जो है वो भी बदवाए देता होगा। मेरी नई साइकिल मोटर के साथ देखो क्या किया है इसने। ठीक हो जाए फिर करवाते हैं सेट इसको भी। जल्दी आ गए यार, 6 बज गए तुम्हारे। जल्दी नहीं आ गया? 3:22 का मैं आया हूँ, और एक कस्टमर कहा था मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। 3 घंटे हो गए हैं। तुम और मैं सेम लेवल पे हैं। हम सेम लेवल पे नहीं, मैं 2 इंच बड़ा हूँ। इधर दर्द होती है इधर। अच्छा चेक करो, मैं जिम आया हूँ, काफी फ्रेश हो गया। तो मुझे जब भी बुखार हो या कोई इस तरह का मसला हो ना, अगर मैं घर बैठा रहूँ तो बुखार बढ़ जाएगा। अगर मैं उठ के जिम आ जाऊँ, थोड़ा सा वर्कआउट करूँ तो खुद बुखार सेट हो जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो ना हर वीडियो के नीचे आ रहा होता है, और वो ये है कि आप अपनी वीडियोज में अरूप को क्यों नहीं लेके आते। सीन ये है कि साद ने अरूप को मना किया था कि यार वो मेरी वीडियोज में नहीं आ सकती। उसकी अपनी रीजन होंगी जो मुझे नहीं पता, मैं उसके डिसीजन की पूरी पूरी इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अरूप और साद को जो है वो कवर ना करूँ अपने ब्लॉग्स के अंदर। मेरा अपना फैमिली कॉन्टेंट है, उनका अपना सीन है। Hours later. भाई बेल दबाता है, बेल दबा के छोड़ता नहीं है, गालियां पड़ेंगी अभी। The next day. मम्मा अनाड़ी ब्लॉगर हैं। बेटा मैंने इन शॉर्ट पे करी सारी एडिटिंग, एक तो उस पे जल्दी हो गई है, और दूसरा ना वो ब्लर भी बिल्कुल सही से हो गया। पहले भी सुनती होगी। दादा दादी आई एम बैक। और यहाँ भी आके अपने कीटाणु छोड़ के जाएगा। इतना बड़ा कीटाणु छोड़ा तो छोड़ के मत जाना, अपने साथ लेके जाना समझ आए। ओ भाई आपका भाई फुल रिस्क टेकर है। चक्कर आ रहे हो, मैं बाइक ऐसे चला रहा हूँ। आपके भाई को आपके दोस्त पता क्या कहते हैं? जितोई जका। चला चलो जितोई जका। जितोई जका उसको पैसे दे देते। किसको? वो जो प्ले बटन लेके आए। नहीं दे तो लो, कहाँ प्ले बटन मेरा? इधर है के इधर है। नहीं दूंगी, मेरा भी आ जाएगा। तेरा नहीं आना यार, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं भी चाहती हूँ इस गरीब को भी 1 लाख करवा दो यार। कब से शक्ल देखो जरा, हमारा इंस्टाग्राम पे पहले हो गया ना तो? मेरा इंस्टा पे मर के 18 यार। तुम लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते वहाँ पे? मैं इससे ज्यादा फनी कंटेंट वहाँ पे डालू। नूर ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं खुद भी इतना बोंगा हूँ, दिमाग इतना खराब हुआ है। हेलमेट मैंने इसके ऊपर ला के रख दिया और यही पड़ा हुआ बटन। चलो जी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने नहीं बताया ना क्या प्ले बटन का? किसको? मुझे सरप्राइज दे रही थी अपनी तरफ से। मैंने सरप्राइज देना चाहा, लगा था मेरा क्लिप डे नया है। मुझे पहले पता होता भाई डे, मैं मतलब पागल हूँ, इंटरनेट वाले पागल हैं। मुझे मेल आई हुई है। तुम्हारा दिल करता है कि तुम लोगों के सरप्राइज रुगन करो। अब बताओ कहाँ है प्ले बटन? अच्छा उस वक्त से अपना प्ले बटन ढूंढ रहा है जब से आया है बेटा, ढूंढ लिया। कोई चुप करके कोने कोने में जा रहा है कि शायद हाँ, मैंने कहा तेरे से ना पूछो, रखा हो शायद वहाँ, रखा हो ढूंढ ही लिया। तेरे ख्याल से क्या नाम लिखा होगा ऊपर? मुझे पता था। पहले ऐसे रखो, ऐसे रखो तमीज के साथ ढक्कन। ये तो हम इतनी वीडियोस में देख चुके हैं, इतना कुछ पढ़ लिया। चल इसको बाद में पढ़ेंगे। अब्दुल्ला जितोई लिखवाया था तुमने? हाँ तो। और 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सो कूल। अरे भैया हमने अपना नाम लिखवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम अपने पे महनूर, तुम अपने पे महनूर जी तो ही लिखवाना। जी जान आपने भी देखना ये देखिए। वाह विदा बाबा।
बेटा ये आपने थूके लगा के खराब भी कर दिया। अच्छा यार ऑनेस्टली अभी मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा सोऊं सो के उठूं, लेकिन हिम्मत जो है ना बिल्कुल जवाब दे गई है, बुखार बहुत तेज हुआ है। स्टोरी टाइम। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चीज ये है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वाह। मैंने आज से 10 साल पहले ना 2012 में एक फिटनेस चैनल बनाया था और उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं थी, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियोस डाल रहा था और कंसिस्टेंटली मैं उसके ऊपर वीडियोस फेंक रहा था, लेकिन फिटनेस वाली बॉडी बिल्डिंग कुछ इस तरह का था, तो उस पर कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। फिर मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। मैंने आज से 5 साल पहले दोबारा एक चैनल बनाया, उस चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस डाली, उस चैनल के ऊपर भी बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। उस चैनल के ऊपर अभी भी शायद कुछ वीडियोस जो है वो पड़ी होंगी। फिर 2 साल पहले जब कोविड आया, मैंने कोविड के अंदर एक चैनल दोबारा बनाया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, प्रॉपर सारा जिम मैंने घर के ऊपर सेट कर लिया। अब मैंने घर के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना शुरू की, वो इंटरनेट के ऊपर डाली, उस पर रिस्पॉन्स ठीक था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था, 500-700 व्यूज आ रहे थे इनिशियली, फिर वो थोड़े से बढ़े भी थे, लेकिन उसके बाद फिर वो रुक गए। उसके बाद मैं भी फिर ऐसा डिसहार्ट हुआ कि मैंने भी उस पर कभी वीडियोस नहीं डाली। कहने का मकसद यह है कि देखो अल्लाह कहां से क्या रास्ता बनाता है आपको खुद कुछ पता नहीं होता। मुझे अभी भी पता नहीं है कि व्लॉगिंग में मेरा नसीब लिखा या नहीं लिखा, लेकिन ये जो चीज मैं अपने सामने देख रहा हूं इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि जितने अच्छे व्लॉग्स बन सकते हैं मैं वो व्लॉग्स बनाऊंगा। इसके बाद हो सकता है कि एक ट्रैवल व्लॉग्स जो है उसकी भी सीरीज पूरी स्टार्ट करें। तो बस पूरी सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, सिल्वर प्ले बटन से आपने गोल्डन प्ले बटन तक लेके आना। मेरे वर्ड्स जो है वो भी साथ नहीं दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन है, बोल के आ रहा हूँ कुछ पता नहीं। खैर जब मैं इसको एडिट करूंगा फिर मैं इसको सेट कर लेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया दिल खुश हो गया। तुम्हारी बेटी ने मेरा सारा प्ले बटन जो है ना ये देखो गंदा कर दिया। मेरी बेटी ने क्या, तुम्हारा प्ले बटन गंदा ही आया था। गंदा आया था तुम्हारे मुंह की तरह। थंबनेल तुम्हारा या मेरा? हम दोनों का। यार पहले क्या नाम है मेरे व्लॉग का तो थंबनेल बनाओ ना इसका, ये हम पकड़ते हैं दोनों। मैं बनाती हूँ, मेरे साथ कर लो तुम्हारे थंबनेल के, तुम्हारे व्लॉग के लिए। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो लोगों को एक्साइटमेंट ज्यादा होगी कि महनूर के 2 दिन के अंदर। ये चेक करो जी, घर के अंदर ये इज्जत होती है। ट्रे की जगह मुझे ये इस बटन के ऊपर चाय ला के दे रहे हैं। ये बटन मैंने लगाना है दीवार के ऊपर, इन्होंने दीवार पे लगा के उसे पंखा चलाना। नूर के चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसी नूडल्स चैलेंज किया है तो वो जाके चेक करना, बहुत शुगर था, आपका भाई एज यूजुअल हारा है। जीता कौन है वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वो लाजमी देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और जाके सब्सक्राइब भी कर लेना इसको। मैं घर जा रहा हूँ, फिर घर जाके मुलाकात करते हैं। एक घंटे से मैं अपनी बाइक की चाबी ढूंढ रहा हूँ, और चाबी जो है वो मोहतरमा ने अपने हाथ में फंसाई हुई थी। फिरदा ने ना तुम्हारी चाबी यहाँ फेंकी हुई थी। हाँ। मैं से बाहर आई हूँ, मैं नीचे देखा चाबी गिरी थी, मैं उठा के हाथ से पकड़ी। मुझे पता था कि ये विरदा ही उठा के गई है। मैं चाबी उस वक्त से ढूंढ रहा हूँ, और मैं नूर से आगे पूछ रहा हूँ कि नूर चाबी किधर है। कहती है कि चाबी, मुझे नहीं पता चाबी किधर है, चाबी ऐसे हाथ में डाली हुई है। काका रुक जा, काका नहीं रुकता, काका हूं जा रहे हैं। क्यों? उड़ी कार कर ली है, जदों तबीयत खराब हुई तो घर जाके सोई था। चाबी कैसी लगी? 5 minutes later. अच्छा खैर हम घर वापस आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं आफा के पास। खोल के रखा है भाई, क्या बात है, हम तो बंद करो, हमारा काम है बंद करो। सरप्राइज सरप्राइज बस आ गया। तो मैं ये लो, मम्मा ने कहा कि मेरी प्यारी सी बहू के लिए बढ़िया नहीं कर। भाई मैं आया हूँ असल में सिर्फ आयरा के लिए। पाली चेपेटी के लिए आया था मैं, तो अपने पाली चेपेटी के लिए आया था, मुझे पाल तो करने दो। मैं आपकी तरफ मुंह करके बात भी नहीं कर सकता, मैं आपको पाली जो है वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ, आपके फेस पे पाली नहीं कर सकता। आप आए हो ना, इधर तो कर सकता हूँ ना। जब आप आए हो ना ये फुल गहरी नींद में थी, बाइक की आवाज सुन के ऐसे उठ के बैठ। अच्छा यार व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे खत्म, उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आज ठंडा था क्योंकि तबीयत बहुत ऑफ है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।